जॉब छोड़ के देखो पिज्जा विज्जा बांट रहा लड़का, देखो तो पुल भी टूट गया है। किस कदर से लोग निहार रहे हैं, देखो शिवराज नदी का रिश मछुआरे लोग। वेलकम बैक ब्लॉग रॉल पे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं गरियाबंद के लिए एक बार फिर से जाने वाला था। गरियाबंद में बहुत सारे वाटरफॉल वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन सुबह से ही बारिश हो रही है। मतलब कि मैं 6 बजे से उठा हुआ हूँ और 6 बजे से ही बारिश हो रही है भाई साहब। इतना जबरदस्त बारिश हो रहा था कि क्या ही बोलूं। मेरा मन कर गया कि रुकने का, और अभी 8 बज रहे हैं, अभी भी बारिश हो ही रही है। मैं आप लोगों को एक झलक दिखलाता हूँ बाहर का नज़ारा। कपड़े उपड़े भी एकदम सुखा रहे हैं, सूख नहीं पा रहा कपड़ा। कल तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह से इतना जबरदस्त बारिश हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वही है कि फिर बढ़ जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, इस तरह से चल रहा है मौसम। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अभी शाम हो रहा है, लेकिन अभी सुबह का नज़ारा है ये देखो। अभी 8:30 होने वाले हैं। तो गाइस, अगर बारिश कम होता है तो अपन चलेंगे शिवनाथ नदी के पास। वहां का माहौल आप लोगों को एक बार फिर से दिखलाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी है कि नहीं बनी है, जो भी है। और मम्मी को भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि आज पकौड़ा बना दे करके, बहुत खाने का मन कर रहा, तो मम्मी अभी ना पकौड़ा बना रही है। तो ये देखो मस्त तगड़ा बन रहा है अपना पकौड़े, मेरे को मम्मी बना रही है। सुबह से भिड़ गई है, आलू और प्याजी दोनों प्रकार के बन रहे हैं गाइस। तो सुबह से बारिश हो रहा भाई साहब 5 बजे से, और अभी 3:30 बजे के आसपास ही बारिश रुकी है। और जैसे बारिश रुकी है, हम निकल पड़े हैं आप लोगों को भिलाई का पूरा नज़ारा और शिवनाथ नदी का नज़ारा दिखाने के लिए। एक बारी मैं अंडर ब्रिज का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें पानी भरा है कि नहीं भरा है। कई लोग कमेंट भी किए थे पिछले के पिछले व्लॉग में, जब मैं भिलाई पहला बारिश हुआ था तो वीडियो शूट किया हुआ था मैं। कुछ लोग बोले थे कि भाई सुपेला का जो अंडर ब्रिज बना हुआ है उसमें पानी भरता है कि नहीं भरता है। इसी बहाने मैं भी देख लूँगा है कि नहीं है उसमें पानी वगैरह। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि इसको कुछ अच्छा ही बनाया हुआ है। वैसे तो दिख रहा है मेरे को यहीं से, फिर भी आप लोगों को दिखला ही देता हूँ मैं कि पानी नहीं है। मतलब कि इतना बारिश होने के बावजूद भी इसमें पानी नहीं है तो अच्छा ही बना हुआ है। और वही चंद्रा मौर्या हो गया, और अपना दक्षिण गंगोत्री का जो अंडर ब्रिज है उसमें तो लबालब पानी भरा होगा। एक बारी चंद्रा मौर्या तरफ भी चलेंगे, वहाँ का अंडर ब्रिज का नज़ारा देखेंगे। लेकिन बारिश में घूमने का अपना अलग ही मज़ा है यार, सीरियसली। मैं आज सोचा था कि गरियाबंद निकलूंगा, सुबह से उठ गया था मैं, बट पानी की वजह से रुकना पड़ा भाई। ऐसे तो लोग आना जाना कर रहे हैं भाई, मतलब किसको भी अच्छा कुछ बना दिया लग रहा है, नहीं तो फिर ये तो भाई रो देता है। ये तो बिना बारिश रो देता है, तो फिर बारिश के दिनों में ही अच्छा पानी भरा हुआ है फिर भी, लेकिन लोग आना जाना कर रहे हैं। ये देखो छोटा सा वाटरफॉल देख लो भाई साहब। ओए तेरी की गाड़ी आ रही भाई, ये लड़की फंस गई। ये छोटा सा वाटरफॉल है, पूरा जूता तो गीला होने ही वाला अपना। अभी जाकर देखना है दक्षिण गंगोत्री वाला। एक और कार आ रही है, इसको भी निकल जाने देते हैं। सब ज्ञान पेल दे रहा भाई लड़की को देखते हुए। ओ भाई साहब, जबरदस्त पानी है यार, दूर से दिख नहीं रहा था। लेकिन वही है, साइलेंसर में जाएगा तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, लेकिन अपना जो 220 का साइलेंसर है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर में है। वाह 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 भाई, एक नंबर एक नंबर भाई, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। छोटा सा वाटरफॉल, अभी हम जाते हैं दक्षिण गंगोत्री, वहाँ का देखेंगे भाई। ये तो चंद्रमौर्या टॉकीज वाला देख लिया अपन, ये हमारे राइट साइड में है चंद्रमौर्या। बहुत साल हो गए मूवी देखे, एक ज़माना था एक भी मूवी छूटती नहीं थी हमारी, और आज कोई भी मूवी जाता नहीं हूँ मैं। तो वहीं चलने हैं अपने को फ़िलहाल। अब दिखा रहा हूँ भाई, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये आ गए भाई सुपेला, यहीं से मैं गया हुआ था। अभी आगे बढ़ते हैं दक्षिण गंगोत्री, और यहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ है भाई, दुबई मेला।
और इतना बारिश में कौन मेला लगाता है। मेला इस साइड में ही है, मैं तो इसका व्लॉग भी नहीं बनाया हूँ ना, एक गया भी नहीं हूँ मैं। गाइस तो यहीं से अपने को लेफ्ट लेना है, देखते हैं। ये तो 100% बंद होगा, फिर भी देख लेते हैं बाएं हैं तो। उसके बाद तो सीनाथ नदी तरफ जाना ही है अपने को फिलहाल। वाह ये क्या मस्ती है, ये तो पूरा खाली है भाई, सोचा नहीं था यार इसको बनाया गया है। यहाँ पे लोग मछली पकड़ रहे हैं मछली, लेकिन यहाँ पे पानी चू रहा है भाई। देखो वाटरफॉल बन गया है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है भाई ये तो। अभी जब सुपेला का अंडर ब्रिज बना नहीं था तो भाई ये पूरा ब्लॉक हो जाता था, अब अंडर ब्रिज बन गया है तो अंडर ब्रिज को भी सुधार दिए हैं, बताओ भला। चलते हैं अपन सेवनाथ नदी, दिखलाते हैं उधर का नज़ारा कैसा है। इस तो द्विवेदी भाई यूट्यूब छोड़ के जॉब छोड़ के देखो पिज्जा विज्जा बांट रहा लड़का देख लो इनकी गाड़ी देख लो भाई साहब। तो आप भी इनके नंबर पे कांटेक्ट करके पिज्ज़ा हो KFC हो सब मंगवा सकते हैं। साइड हो जाओ, देख लो भाई पिज्जा विज्जा ऑर्डर कर सकते हो आप लोग, यहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन ओवर ब्रिज वाला देखने को मिलेगा, अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर, मंदिर वाला देखते हैं। ओ भाई साहब इधर का रोड भी तो कबाड़ा हो गया है, हालांकि यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स 1BHK 2BHK फ्लैट वगैरह सब बन रहे हैं। देख रहो यहाँ पे होटल बन गया है, 1BHK 2BHK फ्लैट बन गए हैं भाई, पूरा काया पलट हो गया भाई इस एरिया का, पहले ऐसे कहाँ देखने को मिलता था। सही है लेकिन एक नंबर बन गया है, किसी ज़माने में यह पार्क हुआ करता था। और इतनी यहाँ पे गाड़ियाँ सब खड़ी है भाई, आए भाई पर्यटक घूमने के लिए, कुछ तो जा भी रहे हैं घूम फिर कर। कार ही कार खड़ी है इस साइड में, पिकनिक स्थल बन जाता है ये बारिश के दिनों में। ओ भाई इधर का तो पुल भी टूट गया है, इसीलिए कार आगे नहीं गई है, नहीं तो पूरा कार जाम लगा देती। शुक्र अपने पास बाइक है। इधर भी पूरा मंदिर ही मंदिर है, मम्मी भी बोल रही थी कि सोमनाथ नदी ले चलना आने वाले सोमवार को, मम्मी को ले आऊँगा, मम्मी देख भी लेगी, वैसे तो वीडियो में देख ही लेगी लेकिन रियल आंखों से देखेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। रखते हैं गाड़ी कहीं अच्छी जगह देख के, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ का दृश्य, यहीं पर रखते हैं गाड़ी। ऐसे एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं सिवनाथ नदी, लेकिन अभी का जो पानी है थोड़ा सा कम हो गया। मैं सोचा आज सुबह से बारिश हो रहा है तो अच्छा खासा पानी होगा करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, लेकिन है उफान में है पानी। दिखाता हूं आप सभी को बैक कैमरे से, सब टूरिस्ट आ रहे हैं यहां पे सिवनाथ नदी का नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए। तो मैं एक बारी यहाँ से एक नज़ारा दिखाता हूँ आप सभी को, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शिव मंदिर है जैसे कि आप लोगों को मैं बताते हुए आया हूँ। ये देखो नज़ारे शिवनाथ नदी के, पूरा उफान में भाई पानी, लेकिन जिस हिसाब से आज बारिश हुआ है उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो देखो पर्यटक देख रहे हैं, ये देखो वहाँ पे है काफ़ी सारे पर्यटक, और ये बच्चे लोग आगे आगे में वीडियो बना रहा हूँ तो आ रहे हैं। वहाँ से भी नज़ारा देखेंगे, फिलहाल यहाँ से नज़ारा देखो आप लोग, खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, पूरा पानी ही पानी दिख रहा है लबालब। तो गाइस अभी हम आगे से आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे जिससे आपको अनुमान लग सके कि कितना हद तक पानी है सिवनाथ नदी में भी फिलहाल के लिए। और ये है शिव मंदिर, आप लोगों को जाते जाते एक बार दर्शन करा देता हूँ महादेव जी का। देखो आए हैं वैसे भक्तजन पूजा करने के लिए, घर बैठे दर्शन करिए। जितने भी पर्यटक आ रहे हैं ना सब उसी साइड में ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है और पानी की जो आवाज़ें हैं वो बेहतरीन। तो ये बगल में है शमशान घाट गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और पर्यटक देख रहे हैं भाई साहब क्या बात है, ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे। ये देखो सामने में देखो यार लोगों का जमावड़ा, किस कदर से लोग निहार रहे हैं शिवनाथ नदी को, और सब रील्स फोटो सब ले रहे बढ़िया सा।
तो अपन भी यहाँ से खड़े होके एक बड़ी नज़ारा देखते हैं। गाइस देखो शिवनाथ नदी का दृश्य, वैसे पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिस हिसाब से आज बारिश हुआ है उस हिसाब से बाप रे इतना कम हो गया एक ही दिन में। इतना ज़्यादा पानी का लेवल कम हो गया है फिर भी लोग आए हैं, क्योंकि दुर्ग भिलाई में ज़्यादा कुछ पर्यटक स्थल है नहीं, तो एक शिवनाथ नदी है इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पर यहाँ से भी नज़ारा देखते हैं। ये देखो गाइस इतने सारे लोग हैं, और फिर भी अपन आए हैं तो पूरा भ्रमण करेंगे, और कुछ लोग तो नीचे भी उतर गए हैं यहाँ से, बड़े देखते हैं मछली पकड़ रहे होंगे इस साइड में, तो मछुआरे लोग ये तो अभी मैं ऊपर से नज़ारा दिखा रहा था, एक भाई बोला कि नीचे से भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, जो पानी की जो लहरें हैं ना वो समुद्र जैसा दिखता है करके, तो मैं नीचे आया हूँ, मैं तो यहीं किनारे से दिखाते हैं आप सभी को। बाकी काफ़ी लोग आ रहे हैं दुर्ग भिलाई के, और सब्सक्राइबर भी अपने मिलते जा रहे हैं। गाइस तो यहाँ से नज़ारा देखो आप, वाकई में यहाँ लहर जैसा दिख रहा है, पूरा पानी यहाँ से घूम जा रहा है। तो इधर का पूरा एरिया आप लोगों को मैं दिखा दिया, अब बाइक लेते हैं और फिर चलते हैं ओवर ब्रिज की ओर, उधर से नज़ारा देखेंगे। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं ये स्थान से और आगे वाला एरिया देखेंगे, वैसे अभी जैसे जैसे शाम हो रहे हैं लोग आ ही रहे हैं भाई यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। गाइस तो गंजपारा से निकल गए हम लोग, और ये देखो सामने अगर सीधा जाते हैं तो अपन बालोद के लिए निकल जाएंगे, यहाँ से बालोद 50 किलोमीटर रह गया है, लेकिन अपने को जाना है यहाँ से राइट राजनांदगांव वाली रूट पर, और ओवर ब्रिज के नीचे का नज़ारा देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मस्त चौड़ी चौड़ी रूट बन गई है भाई द्विवेदी, खतरनाक रूट हो गया भाई ये, क्योंकि कार वाले लोग स्लो करते नहीं हैं चौक चौराहे पे, एक बार ट्रक वाले कर देंगे। वैसे तो ये जो ओवर ब्रिज है इसके नीचे चलना है, ऊपर से भी नज़ारा आप देख सकते हैं, लेकिन आप नीचे तरफ जाओगे तो जो छोटा वाला जो पुलिया बना हुआ है उसके ऊपर से पानी जारी कि नहीं जारी, हालांकि नहीं जारी होगी क्योंकि पानी का जो लेवल है कम हो गया है, जिस दिन मोगरा बैराज से पानी छोड़ा गया था उस दिन था भाई माहौल तगड़ा, मैंने वीडियो भी बनाकर डाला। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये हमारा आखिरी पड़ाव है, देखते हैं कि पानी का लेवल कैसा है। वैसे यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे हमारे, वैसे यहाँ भी लोग आते हैं क्योंकि ये मेन यहाँ पे ठाकुर टोला है, देख द्विवेदी भाई ठाकुर टोला में चाय नाश्ता करने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ भी एक बार झांक लेते हैं। और ये सामने में है गुरुद्वारा, तो जब मोगरा बैराज से पानी छोड़ा जाता है ना तो समझ लो कि इसके ऊपर से पानी जाना ही जाना है। गाइस उस दिन पानी पूरा यहाँ तक था भाई, यहाँ से मैं खड़े होकर नज़ारा दिखा रहा था, अब यहाँ से एक बार नज़ारा देखते हैं। देखो अगर मोगरा बैराज से पानी छोड़ते हैं तो समझ लो कि एक दिन के बाद में जो पानी का लेवल है इतना ही रहेगा, जैसे अभी देख पा रहे हैं आप लोग। और यहीं पे गणेश विसर्जन दुर्गा विसर्जन होता है, तो हम आते हैं, अब तो सिलसिला चालू हो जाएगा सितंबर में, बाकी देख लो शिवनाथ नदी का ये दृश्य है। गाइस तो ये हमारे सब्सक्राइबर है राजनांदगांव से ना, आपका नाम क्या भी है? रवि प्रकाश देशमुख, और नमस्कार, जय जय आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, और मैं हूँ अमर संगवारी चैनल चलाता हूँ मैं। हाँ अच्छा, ये जो है व्लॉग भाई बनाते हैं, मैं अगर व्लॉग मोला देखता हूँ और अभी भी देखना चालू करे हूँ, बहुत सुंदर सन बनाते हैं, और यकीनन मानो कि छत्तीसगढ़ के जो भी झरना पर्वत है जो भी है ओकर बारे में जो लोगन तक पहुँचावत है वो काबिले तारीफ है। और ये भाई राहुल जो है अगर व्लॉग है बहुत ही प्रेरणा स्रोत वाला है और बहुत सीखे वाले है, और कहीं ना कहीं अगर उनके जो काम है वो छत्तीसगढ़ स्तरीय बहुत बढ़िया लेवल में है। और मैं आने वाले समय में ये बताना चाहूँ कि लोगन मोला जो देखना चाहिए, काबर की जो छुपी हुई चीज है हमारे प्राकृतिक अंचल में वो चीज जो है उभार के जो है सामने लाते, एक काबिले तारीफ है। और राहुल भाई मैं बहुत धन्यवाद दूँ
कि आप मन जिसे जो है चैनल में जो काम करा तो काबिले तारीफ है, लोगों तक पहुंचाने के जो प्रयास करा था वो काबिले तारीफ है। चैनल अभी भी देखे हो मैं, बहुत अच्छा लगी से आपके क्रिएटर जो है बनाए की जो शैली है और भाषा शैली है बड़ा सरल तरीका से है, मजा भी आते हैं, इंटरेस्ट भी लगते है ना। और मैं यही चाहूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी चीज़ देखा था वो कैसे लगते आप मान ला वो चीज़ ला जो है कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो चीज़ ला बात ला जो है हमें डालो ताकि हमारा उत्साह बढ़े और भाई ला जो है वीडियो बनाने में वो काफ़ी सुविधा हो और अच्छे नए ऊर्जा और संचार के साथ आने वाले समय में वो नए नए वीडियो जो है बना के आप तक ला, यही कहना चाहूँ। और मोर चैनल सब्सक्राइब करो संगवारी हो, मोर संगवारी चैनल है जी पर्सनल मोटिवेशन चैनल जिसमें मैं हाँ इंटरव्यू कर लेता हूँ लड़का मन के अधिकारी वर्ग मन के, तो हमारे चैनल में धन्यवाद।